हेलो गाइस, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सभी बढ़िया होंगे, सब मजे ले रहे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है गाइस, तो भाई अपने ध्यान रखना क्योंकि गर्मी ओवर हो रही है जैसा मैं देख रहा हूँ अप्रैल में ही। तो और ऐसी गर्मी में भानु का भी मन था जिम जाने का, मतलब स्टार्टिंग से ही कह रही थी गर्मी में क्या, तो मैं इसको लेके नहीं जा रहा था। आज लेके जाने वाले हम इसको जिम, जिस काम के लिए लेके जाने वाले हैं वो आगे वीडियो में पता लगेगा आपको। तो देखते हैं इसका क्या रिएक्शन रहेगा उस सबको देखने के बाद में। तो फटाफट से शुरू करते हैं। और गाइस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जाओ हमारे चैलेंजेस भी चेकआउट करो, पसंद आए तो लाइक करना ज़रूर। और मोटिवेशन मिलता है गाइस इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करता हूँ और अच्छा कर पाऊँ। बाकी आप लोगों का सपोर्ट तो है भाई लोगों। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। पी लूंगा, होती रहती है तो। हेलो, हाँ भैया, राम राम। क्या हो गया? अच्छा। अरे कोई दिक्कत नहीं है भैया, यार मेरे पे इतना तो भरोसा करो कम से कम। हाँ वो मैं कर लूँगा, तो कोई नहीं तुम मुझे दे देना। अरे मतलब मैं नहीं, मतलब मैं अरेंज कर दूँगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या टाइम है? ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक है भैया, ठीक है ओके। यार क्या हो गया? तुम्हारे पास कोई खराब सी कॉटन की साड़ी पड़ी है क्या? खराब है तो मतलब ठीक लगनी चाहिए देखने में, इतनी बुरी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ है। कॉटन की साड़ी का क्या करूँगा? अरे वो कल मेरे को थोड़ा सा ना जल्दी जाना है जिम। जल्दी कल क्यों जाना है? दूसरी ब्रांच की ओपनिंग है ना, तो वो कह रहे थे कि आ जाना साथ में। मैंने कहा चलो ठीक है। साथ में आ जाना मतलब? अरे तुम वो साड़ी पहन के चलना यार। या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं उन्होंने तो ओपनिंग में कॉटन की साड़ी पहन ली। अरे उन्होंने थोड़ा सामान भी बोला है, सामान लेके जाना है। क्या सामान? ये सामान भी रास्ते से ही ले लूंगा मैं। अरे सामान दिखाना। ये है सामान, हार्पिक टॉयलेट पेपर, टॉयलेट ब्रश, कॉटन हैंगी, वैक्यूम, ग्रीस। ये तुम क्यों लोगे? अरे यार वो ना, अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे जिम का ना वो नहीं आ रहा लड़का मनोज, जो पहली वाली ब्रांच में है। तो तुम कहाँ रुके वो? अरे नहीं भैया का फोन आया, कह रहे यार ऐसे ऐसे मैंने एक बंदा बुला रहा हूँ, ऐसे ऐसे 6,000 रुपए देने हैं। तो मैंने कहा भैया तुम टेंशन मत लो, मैं अरेंज कर दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें कहाँ से मिल गया लड़का? मैं तो मैंने बोल दिया कि मतलब उन्हें नहीं बोला, तो तू साड़ी पहन लियो और चलियो मेरे साथ। नो 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 नो। तो मैं ये करूंगी वहाँ पे? वो 6,000 रुपए दूसरे लड़के को दे रहे थे, अरेंज कर रहे थे लड़का। मैंने कहा मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पैसों के लिए ये करूंगी? अरे तो एक बात बता, तो कॉटन की साड़ी पहन लियो, जैसे बांधते हैं वो मुंह पे नहीं बांध लेते, धूल जमती है, धूल उड़ती है तब बांध लेते हैं। ऐसे बांध लियो, किसी को क्या पता लग रहा है कि तू है? किसी को क्या पता लग रहा है तू है? अच्छा मैं पैसों के लिए ये सब करूंगी, तुम्हारे जिम में ये करने जाऊंगी मैं? तो बुरे यार, 4-5 घंटे के मिल रहे हैं 5,000 रुपए। तू मुझसे कोई क्या बोलेगा? तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है क्या? कोई मुझसे बोलेगा कि कौन है ये? कोई तुम्हें जानता है? मैं कोई नहीं जानता। बात तो सही है। तुम फटाफट से करना वहाँ पे, थोड़ी देर करने वरने के बाद जैसे काम। अच्छा तो तुम मुझे इसलिए ही बोल रहे थे, तुम्हारे पास कॉटन साड़ी है या नहीं? वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। कोई नहीं जा रहे हैं, पार्टी है तभी तो पूछो तुम मुझे। पार्टी में तो मैं कॉटन साड़ी में लेके जाऊंगा क्या? कॉटन की साड़ी क्यों पूछ रहे हो? तो पूरे जिम में कोई और नहीं दिखा क्या? या पूरे पूरे स्टाफ में और कोई नहीं था या सिर्फ तुम ही थे वहाँ पे? अरे भैया भरोसा मेरे पे करते हैं इसलिए मेरे पे फोन करा उन्होंने। तुम पे भरोसा करती है तो तुम्हें मैं ही मिली थी क्या नौकरानी बनाने के?
के लिए और इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट पे ले लो, कहीं भी मिल जाएंगे। वो बाहर लड़के को ही दे रहे थे, मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, जो पैसे बाहर दे रहे हो मुझे बता देना। बाड़लो से क्या बोला तूने? मैं नहीं करूंगी ये। क्या भाषा इस्तेमाल कर रही है बाड़लो, ये कोई तरीका थोड़ी है, पता नहीं क्या बोलती जा रही है। बाड़लो बदतमीज औरत। यार एक बात बताओ, मैं ये सब करने जाऊंगी क्या? अरे कर दोगी तो कौन सी आफत आ रही है यार, मनोज नहीं आया, उसे इमरजेंसी जाना पड़ा, उसके घर में कोई दिक्कत हो गई है। तो एक बात बताओ, चलो मैं तुम्हें काम दे रही हूँ, अगर सुनो तुम, मैंने ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी, चाहे तुम मुझे 80,000 दो चाहे तुम मुझे 90,000 दो, बिल्कुल ये काम नहीं करूंगी मैं जाके वहां पे। ये थोड़ी ना किसी के भी टॉयलेट साफ करूंगी, किसी को भी पानी पकड़ाऊंगी जाके। साला 80-90 हज़ार को मुझे दे देना, मैं यूं ही कर लूं। हां तो मैं तुम्हें काम दे रही हूं, तुम्हें टॉयलेट साफ करना है, जो बाहर के होते हैं ना, 4 टॉयलेट साफ करने हैं तुम्हें, कर लोगे? पर मंथ तुम्हें 1.5 लाख रुपए दूंगी। पैसे मिलेंगे ना पक्का? गारंटी नहीं है मिलेंगे भी या नहीं, ये कोई बात थोड़ी होती है, पैसे मिलेंगे तो कर लूंगा। आगी ना वही बात, तो मैं तुझे दिलवा तो रहा हूँ यार। सुनो मैं नहीं करूंगी बिल्कुल भी ये काम, अगर मुझसे कोई पूछेगा ना साफ बोल दूंगा आदित्य की वाइफ हूँ। तो बोल दियो, कोई दिक्कत नहीं, मैं वहां से तुझे भेज दूंगा, फिर चल रही है ना। मैं नहीं जा रही। अबे यार एक तो काम मिल जाता है, ऊपर से तुम नखरे करते हो, काम कोई छोटा तो बड़ा काम मिल जाता है। आप एक बात बताओ, पूरे स्टाफ में आप ही दिखे थे क्या? आपको आपकी बीवी ही दिखी थी और कोई नहीं दिखा वहाँ पे? बाहर लड़के को मैं देना नहीं चाह रहा, मैं सोच रहा हूँ तेरे को आता तू कर दियो। अच्छा तो आज वो लड़का नहीं आया, कल वो लड़का नहीं आएगा तो तुम तो मुझे डेली ले जाओगे? नहीं कह दूंगा ना, वो मैंने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट पे लाया था। कॉन्ट्रैक्ट पे लाया था कुछ होता मतलब तुम मुझे इसी लायक समझते हो? करना कुछ नहीं है, मेरी बात सुन ले। तुम्हें तुम मुझे इसी लायक समझते हो यार, कि मैं सबको जाके पानी पकड़ाऊं सामने, सबके वहां पे जाके टॉयलेट साफ करूं, कोई भी बाथरूम में जाने कुछ भी करे टॉयलेट साफ करती रहूं मैं? ये सामान तो फिर वही हो गया ना। तो क्या हो गया, कर लेगी, मैं बता तो रहा हूँ, एक आध दिन में पैसे आ जाएंगे, तो कोई गलत थोड़ी है पैसा कमाना। कमाना गलत थोड़ी है, पता नहीं क्या है यार, तू भी छोटे छोटे काम को भी ऐसे करती है। छोटे छोटे काम को यार मैं ऐसा नहीं कर रही, आप खुद समझो यार, मैं अच्छा, ये करूंगी क्या? तो एक काम करिए, थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार दियो और चाय बना के दे दियो, वो लोग चाय ज्यादा तो पीते नहीं है, डिप टी होती है, डिप करके दे दियो तूने। चल रही है ना फिर तू? चल रही है ना? दो मैं सामान ला रही हूँ। अरे सुन इधर तो आ, अब जा रही हूँ ना सामान लेने। अरे इधर तो आ, दे तो सही से एक बारी दिखा तो। तुम नहीं चल सकते साथ में? अरे बैठ जाए यहाँ, कोई सामान नहीं लाना। अरे बैठ जाए यहाँ, कोई सामान नहीं लाना, मजे ले रहा था मैं तेरे से, देख वो रहा, प्रैंक कर रहा हूँ तेरे साथ, हाय बोल दे फटाफट से। तुम पागल हो क्या? मतलब कुछ भी लिख के कुछ भी डाल दोगे, कुछ भी कर लोगे, कुछ भी लिख के कुछ भी डाल दोगे, और तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं है कि तुम्हारी बीवी से तुम ये काम कराओगे? मैं मजाक कर रहा हूँ यार, सिर्फ तुम्हारे लिए हाँ कर दी थी। मेरे लिए 5,000 रुपए के लिए मरना है क्या भोसड़े के? 5,000 रुपए के लिए पैसों के लिए करूंगी? देख रहे हो गाइस, अभी तो यू कह रही कुछ नहीं है, 5,000 रुपए देके अंदर सोच रही, 5,000 बहुत सारे यार, ये तो यही तो करूंगी मैं। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और चैलेंजेस भी आ रहे हैं गाइस, चैलेंजेस पर भी जाके फटाफट से कमेंट करो और बताओ कि और बेटर करेंगे। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।